अब जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जनांदोलन का रूप ले लेगा? सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने योग को, पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति दी। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उसने आज विश्व जुड़ गया। बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं। हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगत होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूंगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठकर के हो जाएगा क्या? और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहां कैंप करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात, और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? देश में जहां भी गया एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली, और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को उन्होंने मदद की थी, और उसके कारण दुनिया में भारत का यह सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है।